वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं मल्टी ग्रेन मेथी की रोटी या मेथी थेपला कहते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये एक्सीलेंट रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। ये गुजराती नाश्ता है मेथी थेपला। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूँ का आटा ले लिया है और 1/2 कप मैंने बेसन लिया है। आप 1:1 भी ले सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है। अदरक और हरी मिर्ची को मैंने दरदरा सा मिक्सी में पीस लिया है। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 बंच लेके साफ करके मेथी के धो के इसमें ऐड कर दिए हैं। मैंने इसे चॉप नहीं किया है, चॉप करने से न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसी तरह से ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा हरा धनिया जो कि डाइजेशन में मदद करेगा। अब मैं इसमें तिल ऐड कर रही हूँ। तिल फुल ऑफ कैल्शियम होती है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। तो ये पावर पैक ब्रेकफास्ट है। अगर आप 2 रोटी ये खा लेंगे तो आपको लंच तक भूख नहीं लगेगी। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने से इसमें और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। अब हम इन सब चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे। पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि मेथी का भी अपना पानी रिलीज़ होगा और दही भी हमने ऐड की है। तो थोड़ा सा इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका आटा गूंद लेंगे। आटा बिल्कुल जिस तरह से रोटी का आटा गूंदना है उसी तरह से आटा गूंद लेंगे। तो थेपला जो है, एक्चुअली गुजराती लोग जो थेपला कहते हैं वो फ्राइड पूरीस को कहते हैं। इसी बैटर से इस पूरियाँ बनाई जाती हैं तल के, उसे थेपला कहते हैं। और जो रोटी बनती है उसे डेबरा कहते हैं। बट फेमस ये थेपले के नाम से ही रोटी को फेमस है, इसीलिए मैं भी थेपला कह रही हूँ उसको। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसे अच्छा सा गूंद लिया है। अब इस आटे को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख दूँगी मैं, ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए आटा रोटी बनाने के लिए। आप चाहें तो इसके पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं वेट लॉस के लिए ये रोटी बना रही हूँ, थेपला बना रही हूँ। अब थोड़ा सा मैंने 5-10 मिनट के लिए इसे इस तरह से फ्लैट सरफेस पे गूंद लिया है। आटे को अच्छे से नरम कर लिया है, रोटी बनाने के लिए तैयार कर लिया है। अब मैं छोटे छोटे पेड़े ले लूँगी, पोर्शंस बना लूँगी और इसकी रोटियाँ बनाऊँगी। बेसिकली थेपला थोड़ा सा थिन होता है, यानी कि थोड़ा सा पतला होता है, क्रिस्पी बनता है ये। तब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे, जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं उसी तरह से। और वहाँ पर मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये मेथी आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं काट कर नहीं डालती, हमेशा इसी तरह से डालती हूँ। और जो हमने इसमें तिल डाली है उसकी वजह से ये पराठा बहुत ही क्रंची बनता है। तो रोटी को मैंने बेल लिया है। अब मैं इसे गरम तवे पर सेक लूँगी, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे सेकना है। जिस तरह से आम रोटी को हम सेकते हैं उसी तरीके से। थोड़ा सा ये अब एक साइड से पक गई है तो इसे फ्लिप करके मैं अच्छे से सेक रही हूँ। आप चाहें तो इसे फुलकों की तरह बिना तेल के बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल ऐड कर रही हूँ। अब अच्छे से फ्राई कर लूँगी, सेक लूँगी मैं इस थेपले को। तो जिस तरह से रोटी अच्छे से फ्राई सेकते हैं, उसी तरीके से इसको भी सेक लेंगे। दोनों तरफ मैंने ऑयल लगाया है, आप चाहें तो एक तरफ लगा लें। अब इसे फ्लिप कर लेंगे हम। तो एक थेपला बनकर तैयार है, यानी कि मेथी की एक रोटी बनकर तैयार है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और बाकी के थेपले भी मैं बना लूँगी इसी तरीके से सेम। तो यहाँ पर मैंने आटे और बेसन का यूज़ किया है। अगर आप चाहें, मैंने 2 ग्रेन्स का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें और भी आटा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्न हो गया, कॉर्न का आटा मिला सकते हैं, मक्के का आटा, या फिर इसमें आप रागी का आटा भी मिला सकते हैं।
तो इसी तरीके से मैंने सारे ठेपले बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इसे केचप के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए मैं इसे दही के साथ में सर्व कर रही हूँ, और दही के साथ में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गरम गरम। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये हेल्दी मल्टीग्रेन मेथी रोटी या मेथी ठेपले की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को, और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। ये एक कंप्लीट मील है, इसमें ग्रीन्स है यानी कि भाजियाँ है, ग्रेन्स है, अनाज है, और कैल्शियम के लिए इसमें तिल है, और हम इसे दही के साथ में सर्व कर रहे हैं, तो ये एक कंप्लीट मील है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए ब्रेकफास्ट के लिए। थोड़ा सा दही पे मैंने